And how is everybody I home? am good. How are you doing? All well, all Everyone here looks good. Yes, being Manish is saying Ganesh Acharya maybe has gone for weight loss surgery. So, सबसे पहले जो डॉक्टर वेट लॉस सर्जरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसके प्रोज क्या होते हैं, प्रोज होते भी हैं, कॉन्स क्या होते हैं, कॉन्स भी कितने खतरनाक होते हैं या कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एंड जी सो सबसे पहले हमने आपके आने से पहले यहाँ पर लोगों से पूछा कि आपके दिमाग में कौन सा चेहरा सबसे पहले आ रहा है. तो आई थिंक अदनान सामी इज द फेस ऑफ वेट लॉस सर्जरी इन इंडिया. देखो, इसमें दो बेसिक एस्पेक्ट है। एक तो हो जाता है, ये समझना पड़ेगा, कॉस्मेटिक सर्जरी अलग चीज होती है और वेट लॉस सर्जरी अलग होती है। वेट लॉस सर्जरी तब की जाती, हाँ, वेट लॉस सर्जरी का ऑब्जेक्टिव होता ये नहीं होता कि आप अच्छे दिखो, ठीक है। हाँ, वेट लॉस सर्जरी का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके शरीर में इतना वजन है जो आपके बॉडी के लिए डेक्रेमेंटल, हानिकारक है, कुछ ना कुछ मेजर साइड इफेक्ट कर रहा है, और उसको कम करने के लिए, उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, जो आपका बीपी बढ़ रहा है, हार्ट का रिस्क बढ़ रहा है, आपके जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपको आर्थराइटिस हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो, आपके आगे 5 साल 10 साल में एकदम कोई ना कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, ऐसी बीमारियों के लिए फिर हम वेट लॉस सर्जरी करवाते हैं। यानी कि मॉर्बिड ओबेसिटी जब आ जाती है, तब उसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी को, फिर हम कहते हैं कि ये वेट लॉस सर्जरी जरा करनी पड़ेगी, क्योंकि करनी का एक एक बेटर, एक अच्छा ऑप्शन है फिर वो, समझे। बाईपास सर्जरी जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, बेसिकली वो है, फिर बेरियाट्रिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज, हाँ, बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी मोटे लोगों को पतले होने में मदद करती है, बट उसके भी अपने कॉस्ट होते हैं, उसका भी अपना साइड इफेक्ट होता है। जो बहुत ओबेस है उन लोगों को, बिकॉज अलग अलग प्रकार की सर्जरी होती है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद भी आपका ऐसा लिमिटेशन हो जाता है कि कुछ प्रकार का खाना आप खा पाते हो, कुछ नहीं खा पाते, उसमें कई कॉम्प्लिकेशन के रिस्क हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, हर्निया हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, तो रिस्क इज ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं। और ये उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल नॉर्मल डाइट और नॉर्मल एक्सरसाइज से अपना वजन नहीं कम कर पा रहे हैं, कर ही नहीं सकते, उन लोगों के लिए फिर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है वेट लॉस सर्जरी, ठीक है ना। डॉक्टर, अब हम एक्सट्रीम ओबेसिटी की बात करते हैं, जिस स्टेज पर ये चला जाता है जहां पर सर्जरी ही आखिरी इलाज बच जाता है, तो ये एक्सट्रीम ओबेसिटी का कारण क्या हो सकता है? लाइफस्टाइल है, हेरिडिटरी है, बॉडी टाइप है, व्हाट इज इट? देखो, बहुत सारा तो इग्नोरेंस है, एंड यस, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सी, हमारी बॉडी में फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स को आप आपके ये मान के चलिए कि कितना आपके पास ऑलरेडी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, फैट सेल्स आपके बॉडी में कितने हैं, वो नंबर आपका जेनेटिक होता है। उस सेल्स के अंदर अगर आप खाना खाते हो, ज्यादा खाते हो, ज्यादा खाते हो, तो सेल्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सेल्स बड़े हो सकते हैं, एनलार्ज हो सकते हैं, सो दैट यू डू, आप वो करते हैं। लेकिन कई लोगों की जेनेटिक मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, फैमिली में सारे मोटे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं मोटे होने के, लेकिन फिर ऐसी चीज नहीं है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको रेगुलर अपने आप को देखना जरूरी है। आप खुद को इग्नोर करते हो, एक लेवल से ऊपर मोटे हो जाते हो, तब फिर इतने मोटे हो जाते हो कि आपको बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जैसा हम बीएमआई कहते हैं, बीएमआई बॉडी इंडेक्स कहते हैं, एक एक ऐसी चीज को थोड़ा रैंडम एक इंडिकेशन मान सकते हैं। सो अगर बीएमआई है तो इसमें क्या रहता है, वेट लॉस सर्जरी तब की जाती है अगर आपका बीएमआई 35 से ऊपर हो, 35 से ऊपर आपका बीएमआई है। और अगर ऐसे केसेस में एडल्ट लोगों के लिए बात हो रही है, बच्चों में भी किया जा सकती है, एडोलेसेंट वाले टीनेजर्स में भी ऑपरेशन इस तरह का किया जा सकता है, लेकिन उस केस में बीएमआई 40 से ऊपर होना चाहिए। यानी बचपन में अगर आप इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए चाइल्डहुड और टीनेज ग्रुप में, एडोलेसेंट एज में,
कि आपको 40 के ज्यादा बीएमआई हो गया और आपका कोई ना कोई मेडिकल रिलेटेड कंडीशन हो रही है ओबेसिटी से रिलेटेड, तब फिर आपको करना नहीं पड़ सकता। राइट प्लस ऐसा होगा कि ओके वेट सो लॉस सर्जरी हाँ इंडिया के अंदर या कई जगहों पे तो हो सकता है, आप जाओ बोलो मेरे कर दो तो लोग कर दें, पर कायदे से ऐसा नहीं होता। कायदे से क्या होता है, लोग पहले प्रेफर करते हैं या तो आपका बीएमआई 35 से ज्यादा है, आपको ओबेसिटी रिलेटेड मेडिकल कंडीशन है, प्लस कम से कम 6 महीने कोशिश कर ली आपने वेट लॉस करने की सुपरवाइज, लेकिन वो नहीं हो पाया, एटलीस्ट 6 मंथ आपने अटेम्प्ट कर लिया, तब आप फिर कैटेगराइज हो जाते हो वेट लॉस सर्जरी के। सो दैट इज वेट लॉस सर्जरी। नाउ लेट्स उसको अंडरस्टैंड, इट्स नॉट लाइपोसक्शन, ठीक है, इट्स नॉट एब्डोमिनोप्लास्टी, है ना, ये वो नहीं है कि थोड़ी सी जगह से आप फैट निकाल दो, लाइक अपना बॉडी कंट्यूरिंग करा लो। बॉडी कंट्यूरिंग इज कॉस्मेटिक सर्जरी, वो कॉस्मेट, वो देखने के ऐसा है, ज्यादा फैट है यहां से निकाल लो, यहाँ ज्यादा फैट है यहां से निकाल लो। सो दैट इज लाइपोसक्शन, या एक होता है एब्डोमिनोप्लास्टी की, पेट लटका हुआ है तो थोड़ा सा स्किन काट के पेट टाइट कर दिया, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। ये जो है ये सो बेरियाटिक डॉक्टर, सर्जरी इफ है। आई कैन रीफ्रेम दिस होल थिंग, हाँ इफ आई कैन रीफ्रेम दिस होल थिंग, आप हमें कैटेगरी वाइज बता देंगे कि कौन कौन सी वेट लॉस सर्जरीज या टाइप्स होते हैं? देखो वेट लॉस सर्जरी का जो टाइप होता है ये वाले नहीं, इसको वेट लॉस सर्जरी में नहीं माना जाता, ठीक है, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, ठीक है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ कि कई बार लोग इसको सोच के जाते हैं कि मैंने लाइपोसक्शन वेट लॉस के लिए कराया, नहीं, वेट लॉस के लिए नहीं होता है वो, वेट लॉस सर्जरी होती है, हाँ वेट लॉस इज ओवरऑल वेट लॉस, ओवरऑल वेट लॉस सर्जरी होती है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, यानी पेट काट के छोटा कर दो, तो उसमें स्लीव गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, पेट को जो ऐसा मोटा सा है उसको पतला सा स्लीव गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, फिर देर आर मेनी अदर इसी प्रकार के, आप मान के चलिए बाईपास सर्जरी होती है, उसके लैप्रोस्कोपिक बाईपास सर्जरी होती है, वर्टिकल स्लीव होता है, और नॉर्मल बाईपास सर्जरी होती है, और भी इंटेस्टाइन कभी कभी छोटा किया जाता है, तो बहुत से प्रकार की सर्जरी आ गई है। आपके केस में देखा जाता है कि आपको कौन सी करानी बेस्ट रहेगी, राइट। सो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सर्जरी उसी को करानी पड़ती है जिसको जरूरत होती है, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बिल्कुल हार्ट पे प्रेशर हो रहा, स्लीप एपनिया हो रहा, उसको किडनी डिजीज है, वेट लिवर डिजीज है, उसके लिए होती है। और हर एक जगह पे अपना अपना डॉक्टर का गाइडलाइंस लेके आपको फिर चूज करना है। ओके सो नाउ अगर ये पता चल गया डॉक्टर कि एक बार ये तय हो गया कि आपको वेट लॉस सर्जरी ही करनी पड़ेगी, कोई और इलाज नहीं है, तो फिर व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू यू गो अबाउट इट? What is the process? All right. So weight loss surgery में obviously सबसे पहले तो आपको दो तीन steps, पहली चीज तो obviously आपका प्री एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थेशिया वाला चेकअप होता है, फिर अगर सर्जरी की बात करें तो ऑपरेशन के टाइम पे आपको साइड इफेक्ट्स और वो समझाने के बाद ऑपरेशन के टाइम पे आपको दो बेसिक स्टेप्स होते हैं, उसमें एक तो होता है कि आपके स्टमक को छोटा कर दिया जाता है ऑपरेशन करके, स्टमक को छोटा करने के लिए या तो एक पाउच बनाया जाता है या उसमें स्टेपलर मार दिया जाते हैं, उसको कर दिया जाता है, और दूसरा स्टेप होता है कि या तो स्टमक काट के निकाल दिया जाता है, स्टमक काट के निकाल दो और जो कह लो कि उसका एक जो दो हिस्से है उसको जोड़ दो, तो वो क्या हो गया, बाईपास हो गया, पेट ही नहीं है, या फिर छोटा सा हिस्सा नीचे का निकाल दिया जाता है, नीचे के इंटेस्टाइन का हिस्सा, जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का निकाल के ऊपर वाला हिस्सा छोटे छोटे वाले हिस्से में जोड़ दिया जाता है, तो पेट में जो खाना खाओगे वो डायरेक्ट इन अर्थड़ियों में जाएगा, पेट में चर्निंग होगा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। सो वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि बॉडी जो है जितना खा रहे हो उससे एब्जॉर्ब ही बहुत कम करती है, सो दैट इज देयर। हाँ अलग अलग तो अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार के जैसे मैंने बताया ना, कभी ये छोटा कर दिया, कभी ये निकाल दिया, कभी, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके केस में किस प्रकार की सर्जरी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अच्छा ओके सो डॉक्टर, फिर कितना समय लगता है इस सर्जरी के लिए, एंड हाउ रिस्की इज दिस, हाउ मतलब इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है सर्जरी के दौरान? बहुत सारे रिस्क है गैस्ट्रिक बाईपास में, और सर देखो टाइम तो हर सर्जन का अपना अपना टाइम होता है, कोई जल्दी करता है, कोई स्लो करता है, बट इट इज अ मेजर सर्जरी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी इज अ मेजर सर्जरी एंड इट हैज मेनी रिस्क।
और रिस्क सीरियस भी हो सकते हैं, कुछ रिस्क सीरियस भी हो सकते हैं, और इसीलिए पहला काम डेंजरस रिस्क को समझना होता है। एलर्जी के रिएक्शन हो सकता है दवाई को, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं, और आगे चल के इवन ये हो गया, सब हो गया, सब हो गया, ऑपरेशन सही हो गया, फिर आगे चल के आपको पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है, डेफिशिएंसीज आ सकती है, आगे चल के आपके अगर जहां जहां टाके मारे हैं वहां से अगर इंटरनल लीकिंग हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, स्कारिंग हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है आगे चल के, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सर्जन टू सर्जन हमें देखना होता है, अच्छा सर्जन हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसने सक्सेसफुल कई सारे केसेस करे हो, तब फिर बात आती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, नॉर्मली इस तरह की सर्जरी के बाद ज्यादातर लोग 5 से 10 किलो एक ही महीने में लूज कर जाते हैं, एक बिना कुछ। अब बेसिकली वही लोग होते हैं जो लोग डाइट नहीं करते, और अगर कोई एक्सरसाइज कर लेता है, डाइट कर लेता है, तो वो और जल्दी अच्छे से लूज कर पाता है, उसको मेंटेन कर पाता है। और हाँ, तो एक्स्ट्रा वेट आप अच्छा खासा लूज कर जाते हो 1 या 2 साल में, और लेकिन ये बात याद रखिए बॉडी कर जाती है, जो पेट नहीं भी होता है तो भी धीरे धीरे अगर आप स्टाइल ठीक नहीं किया तो आगे चल के फिर मोटे होने लग जाओगे। ऐसे कई एग्जाम्पल है हमारे, जो अडानी अंबानी बेटे होते हैं उनको देखा होगा आपने, पहले मोटे से पतले होकर फिर मोटे हो रहे, तो वैसे ही कुछ है वो, समझे। थैंक यू ऋषभ फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्रियंका कह रही है तो अगर हम डाइट कर सकते हैं तो वेट लॉस सर्जरी कैन बी अवॉइडेड। अगेन आई थिंक डॉक्टर यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन। डाइट बेसिकली डॉक्टर ने जैसे बताया कि दो टाइप की सर्जरी, दो टाइप के टाइप्स होते हैं वेट लॉस के। एक कॉस्मेटिक है और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई और इलाज नहीं बचता है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है, तो वेट लॉस सर्जरी इज जनरली फॉर देम। डॉक्टर, कोई एज ग्रुप होता है जिसमें जिसमें ये सर्जरी की जा सकती है, और एक एज के बाद कई बार कोई बहुत सारी सर्जरीज नहीं की जा सकती हैं, तो ऐसा कुछ होता है इसमें? देखो एज ग्रुप नहीं होता है, ओवरऑल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे अभी हमने बताया आपको कि ये सब रिस्क है, तो ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस है, किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, बहुत सारी खून पतला करने की दवा चल रही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाथ पैर सारे टेढ़े हैं, और उसकी अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं सुधरने वाली, तो ऐसे पेशेंट को डिसाइड करने का उसमें इस तरह की कोई सर्जरी करने का लॉजिक नहीं है, समझ रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस, ठीक है, तो केस टू केस ये बेसिस, और अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा जो लोग बहुत कॉमनली कराते हैं वो बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स हैं, राइट। वो बॉडी बात बॉडी कंटूरिंग का मतलब होता है कि किसी का हाथ से यहाँ पे स्पैट लटक रहा है तो उसने आर्म लिफ्ट करा लिया, फेस लिफ्ट करवा, गले ये लटक रहा है, डबल चिन ठीक करा लिया, थाई पतले कर लिए, बट पतले कर लिए, पेट लटक रहा है तो उसको ठीक करा लिया, है ना, ये ब्रेस्ट पतले वो लिफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत कुछ इनटू बॉडी कंट्रोलिंग, तो वो इज नॉट एग्जैक्टली अ वेट लॉस सर्जरी, वो प्लास्टिक सर्जरी है, सो वो एक वो है। अलग तरीका है, ठीक है। सो अब हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेट लॉस सर्जरी पे अगर आते हैं डॉक्टर, तो इसके प्रोज क्या हैं? ऑब्वियसली वेट लॉस तो हो ही जाता है, और क्या क्या प्रोज हैं? आपका आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस सब बदल जाता है? अच्छा, इसमें यह होगा कि अगर वेट के वजह से आपको डायबिटीज हो रही है वो ठीक हो जाती है, काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, अस्थमा कंट्रोल हो जाती है, स्लीप एपनिया कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, GERD जैसी प्रॉब्लम, रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो ऐसे लोगों में जिनमें ये सारी प्रॉब्लम जो उनको कंट्रोल नहीं हो रही और दिक्कत दे रही थी, उन लोगों में फिर ये किया जाता है। डॉक्टर, जो बच्चे बेबी फैट कहलाता है, जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या होते जाते हैं, उनका क्या ये रिस्क आगे बढ़ जाता है? एंड दे शुड बी ऑलरेडी, या देयर पेरेंट्स शुड ऑलरेडी बी अलर्ट? हाँ बिल्कुल, देखो अगर खासकर जेनेटिकली पेरेंट्स भी मोटे हैं और बच्चा भी मोटा हो रहा है, आज के डेट में प्रॉब्लम एजुकेशन की होती है, उतना अवेयरनेस नहीं होता बच्चों माँ बाप को, लेकिन फिर जाके पता चलता है जब माँ बाप को वेट के वजह से कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं, तब उनके दिमाग में अगर डॉक्टर एजुकेट करे
पहली बात इंडिया में यही हाल है, तो डॉक्टर एजुकेट करे तो पता चले कि हाँ यार तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो रही है वजन से हो रही है, वजन कम कर लेते तो इतनी सारी दवाइयां, इतने सारे उल्टे सीधे सब वो चीजें, बीपी शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, घुटने खराब नहीं होते। और वो बच्चे को देखें बच्चा तब से हो रहा है, तो बच्चे को एक्टिव रखें। चाइल्डहुड ओबेसिटी कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती, कुछ नहीं लेना पड़ता, बस सिंपल टेक्निक है, बच्चे के अंदर एक्टिविटी करने का जोश होता है उसको जितना हो सके उतना एक्टिव कर दो, और स्लोली स्लोली उसकी डाइट चेंज कर दो। दैट इज दी ओनली थिंग विच यू नीड टू डू, और बच्चा अपने आप वापस ट्रैक में आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर, इट इज आई मीन ये चूंकि अब मुद्दा छिड़ गया है, इसलिए आई वुड लाइक टू मैंने बहुत ही दर्दनाक आई वुड लाइक टू से एक्सपीरियंसेस. मैं पीछे वाली बिल्डिंग में वंस आई कुड सी, सुबह 5 बजे मैं पानी पीने के लिए जब किचन में गई, आई कुड सी कि एक बच्चा अबाउट 7-8 ईयर ओल्ड मस्ट बी, वो बच्चा सुबह 5 बजे मोबाइल देख रहा था. और फिर मैं 5:30 बजे जब दोबारा उठी और मैंने देखा, तब वो सो रहा था. मतलब तब वो सोने के लिए जा रहा था. दैट टाइम ही वाज गेटिंग रेडी टू गो टू स्लीप. इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी कि एक तो शायद आई डोंट वांट टू ब्लेम द पेरेंट्स, लेकिन शायद उनको पता नहीं चला होगा कि बच्चा देख रहा है. उसके कुछ दिन बाद मैं एक होटल में गई, वहां पर दोनों बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, दे कॉन्स्टेंटली ऑन their individual mobiles watching some cartoons. This is so common. Does this also lead to obesity in children especially? हाँ देखो, स्क्रीन टाइम लिमिट करना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये तभी होगा जब बचपन से आप आदत डालोगे। कई बार क्या हो जाता है, ये हमारी ही गलती होती है। हम क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खाता तो हम उसको वो खिला देते हैं, या तो वो खाएगा तो उल्टी सीधी चीजें खाएगा, या तो नहीं खाएगा तो हम क्या करते हैं, फिर हाथ में फोन दे देते हैं, सामने टीवी चालू कर देते हैं और खाना खिलाते जाते हैं। उसको बेसिकली पैसिव ईटिंग बोलते हैं। ये सबसे बड़ा इशू पैसिव ईटिंग में क्या कितना होता है, एक तो आपको पता नहीं चलता आपने कितना खाया, आप ज्यादा खा लेते, ओवर खाए. ईटिंग हो जाती है, ओवर ईटिंग से आप मोटे चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर दो, बच्चों में उस फिजिकल एक्टिविटी की कमी अपने आप में और ज्यादा उन बिल्कुल फैट एक्युमुलेट करने लग जाती है। प्लस जो लोग खिला रहे होते हैं उनको नॉलेज कम होता है कि बच्चों में भी प्रोटीन ज्यादा चाहिए, बच्चों में भी हाई प्रोटीन, उनको भी इसीलिए दूध पिलाया जाता है, दही पनीर ये सब दिया जाता है, ना कि भाई मैगी खिला रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। और आजकल के बच्चों को वो फ्राइज चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चिप्स चाहिए, मैगी चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। इंस्टेड आप उसे उन्हें फिश खिलाओ, चिकन खिलाओ, दूध पिलाओ, अंडे खिलाओ। सो वी हैव टू गो टू दीज काइंड ऑफ ऑप्शन, और वो तभी होगा जब घर में एक एक होटल के जैसे इन्वायरमेंट बनाओगे। एक होटल के जैसे का मतलब है कि थोड़ा हर 4 घंटे में 3 घंटे में एक डिश बना के लाओ, बैठ के सारे खाओ, फ्रूट खाओ, फिर स्नैक खाओ। बच्चों के घर में तो ये करना पड़ेगा कि भाई चलो सैलेड बिल्कुल आती है तो बेटा ये खा रहे, वाह वाह, तो बच्चा भी खाएगा। पापड़ आ रहा है तो पापड़ खा ले, पापड़ खाना हेल्दी है, दाल से बनता है, इंस्टेड ऑफ यू नो अदर थिंग्स। सो यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रेन, और खासकर जब बच्चा पैदा होता है ना तब बोलते हैं, जब बच्चा पहले अपना दूध छोड़ के खाना शुरू करता है तब उसकी जो टेस्ट बड्स हैं उस पे आप क्या डालते हो उस पे बहुत फर्क पड़ता है। उसमें आप सब कुछ दे सकते हो बिल्कुल उसको, बस फीका देना होता है और कुछ नहीं, फीका देना होता है, बाकी उसको सब कुछ दे सकते हो जो भी आप खाते हो। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइज बिल्कुल है ये, पीडियाट्रिशियन से अपने बात करते रहना, बच्चों के डॉक्टरों को फॉलो करना, और मेरे हिसाब से इसमें और एजुकेशन की जरूरत है और रिसर्च की जरूरत है कि बच्चों के माइंड को कैसे हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें, कैसे हम आज ट्रेन करें। देखो हम और आप बच्चे वाले, हम सीखते हैं, हम अपने गलतियों से सीखते हैं, लेकिन इस पे लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस मिल सकता है, पर हम फिर भी वो लोग हैं जो सीखने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा जो मर्जी खाए बस खाए, है ना। और बच्चा अगर ज्यादा खा रहा है और मोटा होता जा रहा है, दैट इज नॉट हेल्दी, राइट। बच्चा जितना मोटा हो रहा है उतना बिल्कुल मोटा हो रहा है, उतना मोट गाल ऐसे ऐसे फूट जाते हैं, और तो बच्चे को बोलना मुश्किल, चलना मुश्किल, हाथ ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। तो उस लेवल तक भी नहीं लेके जाना है हमने, समझे, कि सिर्फ कार्ब्स ही नहीं खिलाने। बिल्कुल कल्पना सोनी है यहाँ पर. हेलो डॉक्टर, शी इज सेइंग रितेश पाटिल संभाजी. हेलो कल्पना सोनी पूछ रही है, डॉक्टर फॉर अ नॉर्मल पर्सन हाउ कैन द बीएमआई बी केप्ट अंडर कंट्रोल?
सी इट्स बीएमआई इज जैसे मैंने कहा इट्स नॉट अ 100% क्या कैसे एक्यूरेट काइंड ऑफ अ मेजरमेंट्स। होता क्या है कि ये मसल मास को कंसिडर नहीं करता। एक बॉडी बिल्डर जो होता है उसका भी बीएमआई 35 30 35 हो सकता है। वो देखने में आपको फिट लगेगा मगर बीएमआई के हिसाब से वो ओबेस हो जाएगा, लेकिन वो ओबेस नहीं है, वो फिट है। तो मेरा पॉइंट यह है कि हमें हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए बीएमआई पे नहीं होना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए फिटनेस पे होना चाहिए। देखो अल्टीमेटली आज के डेट में दुनिया में इंसान आता है पैसे कमाने, तो पैसे कमाते हैं, पैसे जमा करेंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से जिंदगी गुजरेगी आगे की, है ना। हमारा पेंशन हो या बैंक अकाउंट हो तो आगे पैसे की किल्लत नहीं होगी आपको, वो होगा। मगर ये पैसे से आप खाना खाओगे, खाना आपके शरीर में ताकत देगा, लेकिन जो इस्तेमाल करने की मशीनरी है वो मसल्स है। तो आपको ये समझना बिल्कुल पड़ेगा कि जिस तरह से आपकी मसल्स 35 साल 40 साल के बाद हर साल आधा आधा एक एक किलो मसल लूज होती है, अगर आप कुछ एक्सरसाइज ना करो, अच्छी प्रोटीन डाइट ना करो, तो इसीलिए सारे बुजुर्गों के ऐसे कंधे सिकुड़ जाते हैं, इतने पतले पतले पैर हो जाते हैं, तो उनसे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खड़े होने में दर्द। सो अगर आप पैसे कमा रहे हो लेकिन मसल लूज कर रहे हो तो फायदा कुछ नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ टू सेव योर मसल। और ये उम्र है आपकी और मेरी उम्र है कि हम मसल गेन कर ले, क्योंकि मसल गेन करने में समय लगता है। बिल्कुल अच्छे से अच्छा बॉडी बिल्डर भी 1 महीने में 250 ग्राम या 500 ग्राम में आधा किलो मसल यूज करता है, लेकिन ग्रो करता है, लेकिन किलो मसल लूज हो जाएगी अगर कुछ नहीं करेंगे, 1 किलो मसल लूज हो जाएगी। तो अगर आप ओ ग्रो नहीं करेंगे तो आपको हाँ कमजोर लगेंगे, और यही एडल्ट लाइफ में, यंग लाइफ में मेल एंड फीमेल दोनों को एक्सरसाइज का इतना इंपॉर्टेंस है कि उनकी मसल जो है वो ग्रो होती रहेगी, मसल का साइज बढ़ता रहेगा। और मेरे हिसाब से इट्स नॉट नेसेसरी टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, बट एवरीबडी शुड एक्चुअली यूज देयर मसल्स, डू एक्सरसाइज, ग्रो देयर मसल्स, कि आगे चल के जब मसल्स कम होंगी तो भाई अच्छा स्टॉक है कि अच्छी लाइफ तक आप एटलीस्ट अपने पैरों पे चलते रहोगे, ना कि व्हील चेयर पे हो और लाठी पे हो और दूसरे के ऊपर हो, समझे। बिल्कुल बिल्कुल या सो कमिंग बैक टू बेरियाट्रिक सॉरी वेट लॉस सर्जरी डॉक्टर, बेरियाट्रिक सर्जरी जो आपने कहा, इसके प्रोज हमने डिस्कस कर लिए, नाउ कॉन्स पे अगर हम बात करें, इसके क्या क्या रिस्क भी हमने बात कर ली, लेकिन क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? देखो नुकसान में ऐसा है, अल्टीमेटली क्या होगा कि आगे की जिंदगी में यू कैन हैव वेरियस डेफिशिएंसीज। एक तरफ एक हाँ बीमारी नहीं होता कि एक बीमारियों से निकले इतनी सारी बीमारियों से तो आगे बीमारी नहीं होगी। सो आगे आपको दूसरी भी ओ बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं। सो अगर आपको, राइट हाँ, क्योंकि आपको मोटिवेशन फिर भी चाहिए ताकि आपका आगे चल के डाइट, एक्सरसाइज प्लान, कई बार साइकोथेरेपी चाहिए, उसमें आप उल्टी सीधी स्मोकिंग नहीं कर सकते, उल्टी सीधी आगे आगे चल के अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हो तो और ज्यादा आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा आपकी आफ्टर सर्जरी। ऐसा नहीं है कि वहां से आप जो मर्जी खा रहे हो तो भी रिजल्ट आएगा, नहीं, फिर आपका पेट जल्दी खत्म। आपको एक बार में कम खाना पड़ेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जो दुनिया भर में लोग बोलते रहते हैं वो करना ही पड़ेगा, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील करना ही पड़ेगा। और आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, अल्कोहल नहीं ले सकते, प्रोटीन रिच फूड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगा ना। तो आप प्रोटीन सारा लूज कर पाओगे, आपको लिक्विड्स कुछ दिनों तक तो लिक्विड पे रहना पड़ जाएगा, मिल्क हो गया और दूसरी चीजें हो गई, फिर प्यूरिफाइड फूड देंगे, फिर सॉफ्ट फूड देंगे, फिर सॉलिड फूड देंगे, धीरे 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 उसमें आपको नॉन वेज भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, अल्टीमेटली फिर एक हेल्दी डाइट अल्टीमेटली मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर इश्यू हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा फूड एक साथ खा लोगे तो जिसको हम डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं, अगर ऐसा कई बार लगता है ऑपरेशन हो गया, अब मैं जो मर्जी खाऊं मैं तो पतला होऊंगा, फिर घपा घप बहुत सारा खा लेते हैं, तो इंटेस्टाइन्स है, पतली पतली इंटेस्टाइन है, उसमें इतना ज्यादा चला जाता है, डंपिंग हो जाती है पूरी, तो उसमें फिर आपको नौसिया, वॉमिटिंग, कभी कभी डायरिया, पसीना, बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है,
पे ये सारी इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन है आफ्टर दिस। तो ऐसा नहीं है कि भाई पेट पतला किया है तो पेट की दिक्कतें भी शुरू हो सकती है। सो अल्टीमेटली डाइट एंड एक्सरसाइज बिल्कुल तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वेट लॉस सर्जरी करा लो चाहे कुछ करा लो, राइट। और एक और चीज बताता हूँ, आजकल आजकल एक और नया चीज आई है, गैस्ट्रिक बलूनिंग। गैस्ट्रिक बलूनिंग भी आई। ओके हाँ, वो क्या करते हैं, मतलब ये अभी इतनी कॉमनली नहीं है जैसे हम बात करते हैं पेट को काटने की, पेट को पतला करने की, या पेट को काट के बाईपास करने की। तो यहाँ पर एक और प्रोसेस है कि हम कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एंडोस्कोपी होती है, मुंह के थ्रू ट्यूब डालते हैं, पेट में जाते हैं और पेट में एक बलून फुला देते हैं। तो पेट इतना बड़ा है, उसमें इतना बड़ा बलून हो गया, तो पेट के अंदर इतना सा रास्ता रह गया। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से गैस्ट्रिक बाईपास के जैसा काम करता है, पतली पतली रास्ता होता है, पेट अपना काम नहीं कर पाता और आप अगले कुछ महीनों में पतले होने शुरू हो जाते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, हाँ आगे चल के आप फिर से एंडोस्कोपी करके बलून फुला फुटक बलून को डिफ्लेट करके वापस निकाल सकते हैं, क्योंकि री मतलब कह लो वापस हो जाएगा। सो दिस इज अ गुड प्रोसीजर हाँ जो दुनिया में कई जगह हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है, बट कई बार लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती, तो डॉक्टर बताता भी नहीं है, मेरे को करना नहीं आता, मैं कहीं को राइट बताऊं तो ऐसा भी होता है। सो ऐसा डॉक्टर, लेकिन एक राहुल कुमार है गोकी पर, जो मुझे लगता है इनका सवाल का जवाब आप बेस्ट दे पाएंगे। वो पूछ रहे हैं, मैं रोज सोचता हूँ सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगा पर सुबह उठने का मन ही नहीं करता, दिल की चाहत बहुत है कि मैं करूँ, कैसे अपने आप को मोटिवेट करूँ। मैंने इसके लिए गोकी ऑर्डर किया और शायद ऐसा कुछ मेरा भी हो जाए। मैडम मेरा सवाल पूछिए प्लीज, रोज 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 रात को मेरे सीने में जलन होती है, कैसे करूं कि सेहतमंद और स्मार्ट भी बन जाऊं, पेट भी निकल गया है, हाइट 5'10" है और वेट 88 है। वेट बहुत ज्यादा नहीं है आपका, आपको सिर्फ फिटनेस की जरूरत है, पेट निकला है। आप क्या करो, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से ये होता है ना कि इट्स 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 नॉट दैट, हमारी गलती है कि हम ये देखते हैं सुबह नहीं उठे तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता ना यार, ये कोई तरीका थोड़ी है ना। भाई ऐसा होता ना कि सुबह 9 बजे तक नाश्ता मिलेगा, उसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा, ऐसा होता क्या कभी? नहीं होता ना। तुम चाहे 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, दोपहर को उठो, तुम्हें तो खाना मिलेगा यार, खाना तो खाना ही पड़ेगा। वैसे ही इंसान को अपना बॉडी में एक्सरसाइज को रखो, चाहे कितना भी बजे उठो, अल्टीमेटली व्हेन यू हैव 10 मिनट्स 5 मिनट्स, कुछ नहीं भैया, एक रस्सी लेके कूदना शुरू कर दो। अगर तुम्हारे पास रस्सी नहीं है तो मैं तो ये कहता हूँ ना, जैसे दरवाजा है, मैंने एक दो लोगों को प्रिस्क्रिप्शन पे बोला है कि वेट लॉस प्लान के लिए, मतलब बाथरूम में या बाथरूम में नहाने समय घुसने से पहले दरवाजे पे अपने आप को रोक लेना और वहीं खड़े होकर कूदना शुरू कर हाँ देना। एक बार में जितनी बार कूद सकते हो, जितनी बार कूद सकते हो, 100 बार, 200 बार, 300 बार, थक गए अंदर जाके नहा लेना, बस ऐसा नाइस रोज करो कम से कम एक बार। फिर उसके बाद जब याद आए, जो दरवाजे पे याद आए, जिस जो घर के जो दरवाजे पे क्रॉस कर रहे हो, रोक लेना, फिर से कर लेना। ऐसे करोगे तो कम से कम 100, 200, 1000, 1000 स्किपिंग हो जाएगी रोज की, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा वॉक करने से भी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे मैं डॉक्टर की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद जो हैं वो पूरे दिन के बिजी स्केड्यूल के बाद भी घर पे जाकर 10 बजे भी एक्सरसाइज करते जरूर हैं। सो दैट इज रियली अ बिग बिग मोटिवेशन डॉक्टर, आप सचमुच में, आई पर्सनली फील कि दिस इज एक्सट्रीमली गुड। मैंने किसी को नहीं देखा रात को 10 बजे इतने डेलिजेंटली एक्सरसाइज करते हुए। चलो वेरी नाइस। तो आज का हो गया, आज का समय हो गया है, समय यस और बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू फिर से गुड बाय। मिले, ठीक ओके डॉक्टर, बाय बाय।